इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने जीन्स आती है ना वो घुटनों पे उसके, यानी निशान जो है पड़े हुए होते हैं, कपड़ा उसका फटा हुआ होता है, तो ऐसी जीन्स में नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब कादे में बैठते हैं ना तो इसमें घुटना नज़र आता है, यानी पूरा घुटना खुल जाता है कादे में, तो कपड़े पे निशान पड़ा होता है कटने का, लेकिन जब बैठते हैं तो कपड़ा थोड़ा चिर जाता है, तो ऐसी सूरत में घुटना नज़र आ जाता है, और ये दोनों घुटनों पर होते हैं, यानी ये फटे हुए निशान, और अंदर उसके कपड़ा मौजूद भी जीन्स में नहीं होता, बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं, तो इसमें नमाज़ हो जाएगी या नहीं होगी। तो अगर किसी शख्स का नमाज में कायदे में बैठते वक्त या रुकू करते वक्त उठते वक्त घुटना नज़र आ जाए, या ये कहें कि दोनों घुटने भी खुल जाएं, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी, यानी घुटने मुकम्मल यानी पूरे खुल जाना भी फासिद नमाज, नमाज को फासिद करने वाले या मुफसिद आते नमाज में से नहीं है, लिहाजा ये एक सितर के चौथाई हिस्से को कवर नहीं करते। तो इस तरह से अगर किसी शख्स ने ऐसा कपड़ा पहना कि उसके नमाज में घुटने दिख गए, और ये तीन मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मकदार भी तादाद भी रहे, खुले रहे, तो भी इसकी नमाज़ जो है वो दुरुस्त होगी। मगर ऐसा कपड़ा पहनना ये ममनू है, यानी सूरत में के ख़िलाफ़ अदब भी है, और ये कि नमाज के बारे में ज़्यादा एहतराम करना चाहिए नमाज का। दूसरा ये कि फासिकों का लिबास है, फाजिरों का लिबास है, इज़्ज़तदार लोग इस किस्म के कपड़े के जो फटे नूचे हों, जिसमें आदमी पहनने के बाद भी भिखारी मालूम हो, तो इनसे बचना चाहिए। जो मुकम्मल सिले हुए कपड़े हों अदब के दायरे में उसको पहनना चाहिए, और मुसलमान को ये चीज़ भी जेब नहीं देती कि इस तरह के यहूदियों नसाराओं के लिबास को, फटी हुई जीन्स को, या इस किस्म की जीन्स आजकल आती हैं कि जिसमें बहुत सारे कट लगे हुए होते हैं आगे पीछे से, तो इनसे जो है वो परहेज़ करना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए, इनकी तरकीब नहीं है पहनाने की। मगर ये कि नमाज अगर पढ़ेगा और घुटना दिखेगा तो नमाज हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुराने